तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। पहला पाठ नबी इसाईस का ग्रंथ अध्याय 50 पद संख्या 4 से 7 तक। प्रभु ने मुझे शिष्य बनाकर वाणी दी है जिससे मैं थके मंदों को संभाल सकूं। वह प्रतिदिन प्रातः मेरे कान खोल देता है जिससे मैं शिष्य की तरह सुन सकूं। प्रभु ने मेरे कान खोल दिए हैं, मैंने ना तो उसका विरोध किया और ना पीछे हटा। मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गाल। मैंने अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुंह नहीं छिपाया। प्रभु मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं अपमान से विचलित नहीं हुआ। मैंने अपना मुंह पत्थर की तरह कड़ा कर लिया। मैं जानता हूँ कि अंत में मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे मेरे ईश्वर, मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? हे मेरे ईश्वर, मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? मुझे जो भी देखते हैं मेरा उपहास करते हैं, वह सिर हिलाते हुए मेरी हंसी उड़ाते हैं। उसने प्रभु पर भरोसा रखा है, वही अब उसे बचाए। यदि वह उसे प्यार करता है तो वह उसे छुड़ाए। अनुवाक्य। हे ईश्वर, मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? कुत्तों के झुंड ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों का दल मेरे चारों ओर खड़ा है। वे मेरे हाथ पांव छेद देते हैं, मैं अपनी एक एक हड्डी गिन सकता हूँ। अनुवाक्य। हे ईश्वर, मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? वे मेरे वस्त्र आपस में बांट लेते हैं और मेरे कुर्ते पर चिट्ठी डालते हैं। हे प्रभु, तू मेरे पास रह जा, तू मेरा बल है, मेरी सहायता कर। अनुवाक्य। हे ईश्वर, मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का बखान करूंगा, मैं सभाओं में तेरा गुणगान करूंगा। प्रभु के भक्तों, उसकी स्तुति करो। याकूब के सब वंशजों, उसकी महिमा गाओ। इसराइल के सब वंशजों, उसका आदर करो। अनुवाक्य। हे ईश्वर, मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? दूसरा पाठ फिलिप्पियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 6 से 11। यद्यपि यीशु मसीह ईश्वर थे और उनका पूरा अधिकार था कि वे ईश्वर की बराबरी करें, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को ही दीनहीन बना लिया है। और मनुष्य का रूप धारण करने के बाद वे मरण तक, हाँ क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बन गए। और इस प्रकार उन्होंने अपने को और भी दीन बना लिया है, इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है और उनको वह नाम प्रदान किया है जो सब नामों में श्रेष्ठ हैं, जिससे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी और पताल के सब निवासी घुटने टेके तथा पिता की महिमा के लिए सब लोग ये स्वीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु ही है। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। मसीह हमारे लिए मरण तक, हाँ क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बन गए, इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है और उनको वह नाम प्रदान किया है
जो सब नामों में श्रेष्ठ है। पवित्र सुसमाचार संत मार्कुस के अनुसार अध्याय 14 पद संख्या 1 से अध्याय 15 पद संख्या 47 तक। पास्का तथा बेखमीर रोटी के पर्व में 2 दिन रह गए थे। महाजाजक और शास्त्री यीशु को शल से गिरफ्तार करने और मरवा डालने का उपाय ढूंढ रहे थे। फिर भी वे कहते थे, पर्व के दिनों में नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि जनता में हंगामा हो जाए। जब यीशु बैथानिया में सिमोन कोड़ी के यहाँ भोजन कर रहे थे, तो एक महिला संगमरमर के पात्र में असली जटामांसी का बहुमूल्य इत्र लेकर आई। उसने पात्र तोड़कर इत्र यीशु के सिर पर उंडेल दिया। इस पर कुछ लोग जुझलाकर आपस में कहने लगे, इत्र को यह अपवाय क्यों? यह इत्र 300 दिनार से अधिक में बिक सकता था और इसकी कीमत गरीबों में बांटी जा सकती थी, और वे इसे झिड़कने लगे। यीशु ने कहा, इसे छोड़ दो, इसे क्यों तंग करते हो? इसने मेरे लिए भला काम किया है। गरीब तो बराबर तुम लोगों के साथ रहेंगे, तुम जब चाहो उनका उपकार कर सकते हो, किंतु मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। जो कुछ ये कर सकती थी इसने कर दिया। इसने कफन की तैयारी में पहले ही से मेरे शरीर पर इत्र लगाया है। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, सारे संसार में जहाँ कहीं सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, वहाँ इसकी स्मृति में इसके इस कार्य का भी चर्चा होगा। 12 में से एक यूदस इस्करियोती महाजाजकों के पास गया और उसने यीशु को उनके हवाले करने का प्रस्ताव किया। वे ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे रुपया देने का वादा किया और यूदस यीशु को पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। बेखमीर रोटी के पहले दिन, जब पास्का के मेमने का बलि चढ़ाया जाता था, शिष्यों ने यीशु से कहा, आप क्या चाहते हैं? हम कहाँ जाकर आपके लिए पास्का भोज की तैयारी करें? यीशु ने 2 शिष्यों को यह कहकर भेजा, शहर जाओ, तुम्हें पानी का घड़ा लिए एक पुरुष मिलेगा, उसके पीछे पीछे चलो और वह जिस घर में प्रवेश करे उसी घर के स्वामी से ये कहो, गुरुवर कहते हैं मेरे लिए अतिथिशाला कहाँ है, जहाँ मैं अपने शिष्यों के साथ पास्का का भोजन करूँ? और वह तुम्हें ऊपर एक सजा सजाया बड़ा कमरा दिखा देंगे और वह तुम्हें ऊपर एक सजा सजाया बड़ा कमरा दिखा देगा, वहीं हम लोगों के लिए तैयार करो। शिष्य चले गए। यीशु ने जैसा कहा था उन्होंने शहर पहुंचकर सब कुछ वैसा ही पाया और पास्का भोज की तैयारी कर ली। संध्या होने पर यीशु 12 के साथ आए। जब वे भोजन कर रहे थे तो यीशु ने कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, तुम में से ही एक जो मेरे साथ भोजन कर रहा है मुझे पकड़वा डालेगा। वे बहुत उदास हुए और एक एक करके उनसे पूछने लगे, कहीं वह मैं तो नहीं हूँ? यीशु ने उत्तर दिया, वह 12 में विषय में लिखा है, परंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो मानव पुत्र को पकड़वाता है। उस मनुष्य के लिए यही अच्छा होता कि वह पैदा ही नहीं हुआ होता। उनके भोजन करते समय यीशु ने रोटी ली और आशीष की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और ये कहते हुए शिष्यों को दिया, ले लो, ये मेरा शरीर है। तब उन्होंने प्याला लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे शिष्यों को दे दिया और सबने उसमें से पिया। यीशु ने उनसे कहा, ये मेरा रक्त है, विधान का रक्त, जो बहुतों के लिए बहाया जा रहा है। मैं तुमसे कह देता हूँ, जब तक मैं ईश्वर के राज्य में नवीन रस ना पी लूँ, तब तक मैं दाख का रस फिर नहीं पीऊँगा। भजन गाने के बाद वे जैतून पहाड़ चल दिए। यीशु ने उनसे कहा, तुम सब विचलित हो जाओगे क्योंकि
क्योंकि यह लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी, किंतु अपने पुनरुत्थान के बाद मैं तुम लोगों से पहले गलीलिया जाऊंगा। इस पर पेत्रुस ने कहा, चाहे सभी विचलित हो जाएं, किंतु मैं विचलित नहीं होऊंगा। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे कह देता हूं, आज इसी रात को मुर्गे के दो बार बांग देने से पहले ही तुम मुझे तीन बार अस्वीकार करोगे। किंतु वह और भी जोर से कहता जाता था, मुझे आपके साथ चाहे मरना ही क्यों ना पड़े, मैं आपको कभी अस्वीकार नहीं करूंगा। और सब शिष्य यही कहते थे। वे गेतसेमानी नामक बारी में पहुंचे। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग यहां बैठे रहो, मैं तब तक प्रार्थना करूंगा। वह पेत्रुस, याकूब और यौहन को अपने साथ ले गए। आत्मा इतनी उदास है कि मैं मरने मरने को हूँ, यहाँ ठहर जाओ और जागते रहो। वह कुछ आगे बढ़कर मुंह के बल गिर पड़े और यह प्रार्थना करने लगे कि यदि हो सके तो यह घड़ी उनसे टल जाए। उन्होंने कहा, मेरे पिता, तेरे लिए सब कुछ संभव है, यह प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब वह अपने शिष्यों के पास गए और उन्हें सोता देखकर पेत्रुस से बोले, सिमोन, क्या तुम घंटे भर भी मेरे साथ नहीं जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। आत्मा तो तत्पर है, परंतु शरीर दुर्बल है। और उन्होंने फिर जाकर उन्हीं शब्दों को दोहराते हुए प्रार्थना की। लौटने पर उन्होंने अपने शिष्यों को फिर सोया हुआ पाया, क्योंकि उनकी आंखें भरी थी। वे नहीं जानते थे कि हम क्या उत्तर दें। यीशु जब तीसरी बार अपने शिष्यों के पास आए तो उन्होंने उनसे कहा, अब तक सो रहे हो, अब तक आराम कर रहे हो, बस वह घड़ी आ गई है, देखो मानव पुत्र पापियों के हवाले कर दिया जाएगा। उठो हम चलें, मेरा विश्वासघाती निकट आ गया है। यीशु यह कह ही रहे थे कि बारों में से एक यूदस आ गया, उसके साथ तलवारें और लाठियां लिए। एक बड़ी भीड़ थी जिसे महाजाजकों, शास्त्रियों और नेताओं ने भेजा था। विश्वासघाती ने उन्हें यह कहकर संकेत दिया था, मैं जिसका चुंबन करूंगा वही है, उसी को पकड़ लेना और सावधानी से ले जाना। उसने सीधा यीशु के पास आकर कहा, गुरुवर, और उसने उनका चुंबन किया। तब लोगों ने यीशु को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया। इस पर यीशु के साथियों में से एक ने अपनी तलवार खींच ली और प्रधान याजक के नौकर पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम लोग मुझे डाकू समझते हो, जो तलवारें और लाठियां लेकर मुझे पकड़ने आए हो? मैं तो प्रतिदिन तुम्हारे सामने मंदिर में शिक्षा दिया करता था, फिर भी तुमने मुझे गिरफ्तार नहीं किया। ये इसलिए हो रहा है कि धर्म ग्रंथ में जो लिखा है वह पूरा हो जाए। तब सभी शिष्य यीशु को छोड़कर भाग गए। एक युवक अपने नंगे बदन पर चादर ओढ़े यीशु के पीछे हो लिया। भीड़ ने उसे पकड़ लिया, किंतु वह चादर छोड़कर नंगा ही भाग गया। वे यीशु को प्रधान याजक के यहाँ ले गए। सभी महाजाजक, नेता और शास्त्री इकट्ठे हो गए थे। पेत्रुस कुछ देरी पर यीशु के पीछे पीछे चला। वह प्रधान याजक के महल पहुंचकर अंदर गया और नौकरों के साथ बैठा हुआ आग तापने लगा। महाजाजक और सारी महासभा यीशु को मरवा डालने के उद्देश्य से उनके विरुद्ध झूठी गवाही खोज रही थी, परंतु वह मिली नहीं। बहुत से लोगों ने तो उनके विरुद्ध झूठी गवाही दी, किंतु उनके बयान मेल नहीं खाते थे। तब कुछ लोग उठ खड़े हुए और उन्होंने यह कहकर उनके विरुद्ध झूठी गवाही दी, हमने इस व्यक्ति को यह कहते हुए सुना, मैं हाथ का बनाया हुआ यह मंदिर ढा दूंगा और तीन दिनों के अंदर एक दूसरा खड़ा करूंगा।
जो हाथ का बनाया हुआ नहीं होगा, किंतु इसके विषय में भी उनके बयान मेल नहीं खाते थे। तब प्रधान याजक ने सभा के बीच में खड़ा होकर यीशु से पूछा, ये लोग तुम्हारे विरुद्ध जो गवाही दे रहे हैं, क्या इसका कोई उत्तर तुम्हारे पास नहीं है? परंतु यीशु मौन रहे और उत्तर में एक शब्द भी नहीं बोले। इसके बाद प्रधान याजक ने यीशु से पूछा, क्या तुम मसीह परम स्तुत्य के पुत्र हो? यीशु ने उत्तर दिया, मैं वही हूँ। आप लोग मानव पुत्र को सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने बैठा हुआ और आकाश के बादलों पर आता हुआ देखोगे। इस पर महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़ कर कहा, अब हमें गवाहों की जरूरत ही क्या है? आप लोगों ने तो ईश निंदा सुनी है, आप लोगों का क्या विचार है? और सबों का निर्णय यह हुआ कि यीशु प्राण दंड के योग्य है। तब कुछ लोग उन पर थूकने लगे और उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर यह कहते हुए उन्हें घूसे मारने लगे, यदि तू नबी है तो बता दे किसने तुझे मारा है। नौकर भी उन्हें थप्पड़ मारते थे। पेत्रुस उस समय नीचे प्रांगण में था। प्रधान याजक की नौकरानी ने पास आकर पेत्रुस को आग तापते हुए देखा और उस पर दृष्टि गड़ा कर कहा, तुम भी यीशु नाजरी के साथ थे। किंतु उसने अस्वीकार करते हुए कहा, मैं ना तो जानता हूँ और ना समझता हूँ और ना समझता ही कि तुम क्या कह रही हो। तब पेत्रुस फाटक की ओर खिसक गया और मुर्गे ने बांग दी। नौकरानी उसे देखकर पास खड़े लोगों से फिर कहने लगी, ये व्यक्ति उन्हीं लोगों में से एक है। किंतु उसने फिर अस्वीकार किया। इसके थोड़ी देर बाद वहां खड़े हुए लोग कहने लगे, निश्चय ही तुम उन्हीं लोगों में से एक हो, तुम तो गलीली हो। इस पर पेत्रुस कोसने और शब्द खाकर कहने लगा कि तुम जिस मनुष्य की चर्चा कर रहे हो उसे मैं जानता भी नहीं। ठीक उसी समय मुर्गे ने दूसरी बार बांग दी और पेत्रुस को यीशु का ये कथन याद आया, मुर्गे के दो बार बांग देने से पहले ही तुम मुझे तीन बार अस्वीकार करोगे। और वह फूट फूट कर रोने लगा। दिन निकलते ही महायाजकों, नेताओं और शास्त्रियों अर्थात समस्त महासभा ने परामर्श किया। इसके बाद उन्होंने यीशु को बांधा और उन्हें ले जाकर पिलातुस के हवाले कर दिया। पिलातुस ने यीशु से यह पूछा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, ये आप ठीक कहते हैं। तब महायाजक उन पर बहुत से अभियोग लगाने लगे। पिलातुस ने फिर यीशु से पूछा, देखो वे तुम पर कितने अभियोग लगा रहे हैं, क्या इनका कोई उत्तर तुम्हारे पास नहीं है? फिर भी यीशु ने उत्तर में एक शब्द भी नहीं कहा। इससे पिलातुस को बहुत आश्चर्य हुआ। पर्व के अवसर पर राज्यपाल लोगों के इच्छा अनुसार एक बंदी को रिहा किया करता था। उस समय बराबस नामक व्यक्ति कैदखाने में था। वह उन विद्रोहियों के साथ गिरफ्तार हुआ था जिन्होंने राजद्रोही के समय हत्या की थी। जब भीड़ आकर राजपाल के निवेदन करने लगी कि आप जैसा करते आए हैं वैसा ही हमारे लिए करें, तो पिलातुस ने उनसे कहा, क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को रिहा कर दूं? वह जानता था कि महायाजकों ने ईर्ष्या से यीशु को पकड़वाया है, किंतु महायाजकों ने लोगों को उभाड़ा कि वे बरब्बास की ही रिहाई की मांग करें। पिलातुस ने फिर भीड़ से पूछा, तो मैं उस मनुष्य का क्या करूं जिसे तुम यहूदियों का राजा कहते हो? लोगों ने उत्तर दिया, उसे क्रूस दिया जाए। पिलातुस ने कहा, क्यों, उसने क्या अपराध किया? किंतु वे और भी जोर से चिल्लाने लगे, उसे क्रूस दिया जाए। तब पिलातुस ने भीड़ की मांग
पूरी करने का निश्चय किया। उसने उसके लिए बरब्बास को मुक्त कर और यीशु को कोड़े लगवा कर क्रूस पर चढ़ाने के लिए सिपाहियों के हवाले कर दिया। इसके बाद सैनिकों ने यीशु को राजपाल के भवन के अंदर ले जाकर उनके पास सारी पलटन एकत्र कर ली। उन्होंने यीशु को लाल चोगा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथकर उनके सिर पर रख दिया। तब वे ये कर उनका अभिवादन करने लगे, यहूदियों के राजा प्रणाम। वे उनके सिर पर सरकंडा मारते थे, उन पर थूकते और उनके सामने घुटने टेकते हुए उन्हें प्रणाम करते थे। उनका उपहास करने के बाद उन्होंने चोगा उतारकर उन्हें उनके निजी कपड़े पहना दिए। वे यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए शहर के बाहर ले चले। उन्होंने किरीन निवासी सिमोन, सिकंदर और रूफूस के पिता, जो खेत में लौट रहा था, यीशु का क्रूस उठा ले चलने के लिए बांध्य किया। वे यीशु को गोलगोथा अर्थात खोपड़ी की जगह ले गए। वहां लोग यीशु को पित्त मिली अंगूरी पिलाना चाहते थे, किंतु उन्होंने उसे अस्वीकार किया। उन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया और किसे क्या मिले इसके लिए चिट्ठी डालकर उनके कपड़े बांट लिए। जब उन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, उस समय पहला पहर बीत चुका था। दोष पत्र इस प्रकार था, यहूदियों का राजा। यीशु के साथ ही उन्होंने दो डाकुओं को क्रूस पर चढ़ा दिया, एक को उनके दाएं और दूसरे को उनके बाएं। इस प्रकार धर्म ग्रंथ का ये कथन पूरा हो गया, उसकी गिनती कुकर्मियों में हुई। उधर से आने जाने वाले लोग यीशु की निंदा करते और सिर हिलाते हुए ये कहते थे, हे मंदिर को डाने वाले और 3 दिनों के अंदर बना देने वाले, क्रूस से उतरकर अपने को बचा। महाजाजक और शास्त्री भी उनका उपहास करते हुए आपस में यह कहते थे, इसने दूसरों को बचाया किंतु यह अपने को नहीं बचा सकता। ये तो मसीह इसराइल का राजा है, अब ये क्रूस से उतरे जिससे हम देखकर विश्वास करें। जो यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे, वे भी उनका उपहास करते थे। दोपहर से तीसरे पहर तक पूरे प्रदेश पर अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकारा, एलोई एलोई लामा सबाखातानी, इसका अर्थ है, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। ये सुनकर पास खड़े लोगों में से कुछ ने कहा। उनमें से एक ने दौड़कर पनसोखता खट्टी अंगूरी में डुबाया, सरकंडे में लगाया और ये कहकर यीशु को पीने दिया, रहने दो, देख लें कि एलियस इसे उतारने आता है या नहीं। तब यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकार कर प्राण त्याग दिए। मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। शतपति यीशु के सामने खड़ा था, वह उन्हें इस प्रकार प्राण त्यागते देखकर बोल उठा, निश्चय ही ये मनुष्य ईश्वर का पुत्र था। वहां कुछ नारियां भी दूर से देख रही थी, उनमें मरियम मगदलेना, छोटे याकूब और यूसुफ की माता मरियम और सलोमी थी। जब यीशु गलीलिया में थे, वे उनके साथ रहकर उनका सेवा सत्कार करती थी। बहुत सी अन्य नारियां भी जो उनके साथ यरूशलेम आई थी। अब संध्या हो गई थी, उस दिन शुक्रवार था अर्थात विश्राम दिवस के पहले का दिन। इसलिए अरमिथ्या का यूसुफ, महासभा का एक सम्मानित सदस्य जो ईश्वर के राज्य की प्रतीक्षा में था, आया। वह साहस करके पिलातुस से यह कहा, अब संध्या हो गई थी, उस दिन शुक्रवार था अर्थात विश्राम दिवस के पहले का दिन। इसलिए अरिमथ्या का यूसुफ, महासभा का एक सम्मानित सदस्य जो ईश्वर के राज्य की प्रतीक्षा में था,
आया। वह साहस करके पिलातुस के यहाँ गया और उसने यीशु का शव मांगा। पिलातुस को आश्चर्य हुआ कि वह इतने शीघ्र मर गए हैं। उसने शतपति को बुलाकर पूछा कि क्या वह मर चुके हैं, और शतपति ने इसकी सूचना पाकर यूसुफ को शव दिलवाया। यूसुफ ने छालटी का कफन खरीदा और यीशु को क्रूस से उतारा। उसने उन्हें कफन में लपेट कर चट्टान में खोदी हुई कब्र में रख दिया और कब्र के द्वार पर एक पत्थर लुढ़का दिया। मरियम मगदलीना और यूसुफ की माता मरियम ये देख रही थी कि यीशु कहाँ रखे गए हैं। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय।